अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत? सब लोग ठीक हैं? यार, इस बार बहुत देर होगी। मैं माजरत भी क्या करूं, मेरे ख्याल है 3.5 महीने हो गए मैं वीडियो नहीं डाल सका। यार, बहुत सारी पर्सनल वजूहत थी। आप समझ लीजिए, एक तरह से मैं बोर हो गया था बहुत सारे कंटेंट को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा कि ज़्यादातर लोग फेक कर रहे हैं, फेक दिखाते हैं, तो उसको रिव्यू करने में मज़ा नहीं आ रहा था यार। लेकिन अब वापस आने का इरादा किया है और देखते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट आएगा तो उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो सॉरी यार, अपॉलोजीज, काफ़ी लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं। लेकिन जो लोग साथ रहे, जिन्होंने अभी तक साथ दिया है, अनसब्सक्राइब नहीं किया, उनका बहुत शुक्रिया यार, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप लोगों का अंदाज़ा है कोई नई टीम्स का, कोई नए नाम, नए चैनल्स, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें पिक कर लिया करूँगा, उनके क्लिप्स यूज़ करूँगा। तो आज शाहिद भाई का जो नया चैनल जो उन्होंने शुरू किया, शाहिद भाई शाहिद ब्लॉग्स, उनको रिव्यू करते हैं। शाहिद भाई, वेलकम बैक। मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू देखा था आमिर भाई के साथ, जब आमिर भाई पर्सनली आपसे मिलने गए थे, तो अच्छा था वो इंटरव्यू, ज़बरदस्त था, मज़ा आया था देखकर सुनकर। उसमें आपने जिक्र किया था, आई थिंक हिंट दिया दी थी कि आप वापस आएंगे, और फाइनली यूर बैक। तो अच्छा लगा यार, आपका काम ज़बरदस्त है, साया का काम वैसे ही बहुत अच्छा था। खुर्रम भाई कैसे हैं? उनका इरादा है वापस आने का ये या नहीं, ये ज़रूर बताएं शाहिद भाई। और इंशाल्लाह दूसरी टीम्स को भी इंक्लूड करेंगे जल्द, वो क्या था, और ख़तरनाक साया, इंडिया की भी कुछ टीम्स हैं, उनको भी ज़रूर इंक्लूड करेंगे जल्द। आज सिर्फ शायद लॉग एपिसोड 15 दो पार्ट्स में आई थी, उसको मैंने कंबाइन कर दिया। एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा हुई थी यार, सारे तो नहीं डाल सकते, तो मैंने बिल्कुल एक छोटा सा समरी वर्जन डाला है, आई थिंक 6-8 मिनट का है, तो वो आप मेरे साथ देखते हैं और कुछ बातें करते हैं और रिव्यू भी करते हैं। वंस अगेन बहुत शुक्रिया यार, जो लोग अभी तक साथ दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें शुरुआत करते हैं। इस घर में जो किराएदार रह रहे थे ना, उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपने जो इस घर के मालिक थे उनको काफ़ी दफ़ा ये शिकायत की कि आपके घर में कोई मसाइल हैं। वो इस घर के मालिक से इस घर में उन्होंने बताया कि कुछ होता उन्होंने है। बोला कि भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इस घर में कोई ऐसे मामले आते, लेकिन अगर आप आई हैं तो आप एक दफ़ा चेक कर लें, आपका भी जो शक है आपका दूर हो जाएगा। हाँ, चेक करना तो चाहिए। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि एक घर में रहने वाले इतने कोई पागल नहीं होते कि वो बिना वजह ही अल्लाह अकबर। वो देखा आपने खिड़की कैसे बंद हुई? गुड यार, गुड। कौन है? बहुत टाइमली कैप्चर, पीछे भी दिखा दिया, वेरी गुड। रूम, उस रूम में दिखा दिया, वहां आपसे कोई एग्जिट नहीं है। मैं ये बात ही कर रहा हूँ कि घर में रहने वाले इतने पागल नहीं हो सकते, वो अपना सारा सामान उठा अच्छा, ये कुछ हिल रहा है, चले जाएं। ये ग्रीन कलर कोई ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कार्डबोर्ड है क्या है, कुछ प्लास्टिक की कोई चीज़ है, बेंड हुई भी है, उसमें बेंड है और वो रॉक कर रही है। इंटरेस्टिंग है, गुड कैप्चर है शायद भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये कपड़ा लटका था जाली के थ्रू और वो उस तरफ जाए गिरा है। अच्छा, आई थिंक मुझे नहीं लगा कि इस रूम में कोई एग्जिट है, तो अगर किसी ने खींचा भी है तो वो भाग जाए, या रस्सी बांधी हो करीब से दिखा दिया तो रस्सी वस्सी नहीं है। वैसे यार शायद भाई, आप एक तरह ना रूम को पूरा दिखा दिया करें यार, कोई एग्जिट वगैरह ना हो, है ना, इस तरह। अच्छा, ये है इसमें रूम, यहाँ भी दिखा देना चाहिए था फौरन, उसी वक्त रिप्ले डालने से पहले आप दिखा जो भी है बगैर नुकसान पहुंचाए सामने है। क्या जोर से बंद हुआ यार दरवाजा। अच्छा, वेरी गुड, शायद मैंने फौरन भाग के ना दिखा दिया। अच्छा यार, कोई अगर इनका अपना बंदा भी अगर फर्श करने के कर रहा हो ना, तो वो उसके भागने की आवाज़ जरूर आएगी। ये फर्श जो है ना, इस पर कोई कारपेटिंग नहीं है, कोई भी अगर भागेगा ना उसके जूतों की आवाज़ ऐसे ही है जैसे कोई दरवाजे को। गुड कैप्चर है, देखिए वाइड एंगल का फायदा। ये देखें, ये आई थिंक ये झाड़ू है, ब्रूम है, या वो फर्श साफ करने के लिए होती है ना, क्या कहते हैं नाम, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, उसका हेड है, उसका सामने का हिस्सा है, वो हिला है, कैप्चर हुआ है, गुड। अच्छा, ये कचरे का ढेर था कोने में,
ये देखिए पूरा जो है ना उछला जैसे हिला है। कोई इधर खड़ा हो के टांग मारता ना किसी चीज को। अच्छा एक शैडो नजर आएगा दीवार पे, ये पता नहीं यार, आई थिंक लाइव वर्जन में भी नजर आया था कुछ शैडो टाइप, लेकिन स्लोमो में ऐसा लग रहा है कि पतली सी कोई टांग है किसी की। ये देखें ये बहुत अनयूजुअल है यार, ऐसे मैंने देखा नहीं इस तरह पहले कि शैडो नजर आए। अल्लाह अकबर, ये क्या था? ये कपड़ा था, ये खिसका है नीचे गिर गया। अगेन गुड कैप्चर, गुड टाइमिंग, और बजाय लग रहा नहीं कि कुछ। अच्छा ये देखें ये थैली लटकी हुई है, ये ऊपर हुई है यार, बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत ही ये हिला सही टाइम पे ना उनका कैमरा। हाँ उधर ही था, और ये भी बहुत अच्छा है। ओए होए, ये बॉल है कुछ प्लास्टिक का है या स्टील का है, स्टील का है मेरे ख्याल से, नहीं प्लास्टिक का है, वो उछला है। ये वेरी गुड यार, ये जगह हॉन्टेड है 100%, ये फेक नहीं है इस कदर मेरे। अल्लाह अकबर, ओए वाकदा, किसी ने तो इसको लात मारी है या पुल किया है, ये कचरा है जैसे प्लास्टिक के। अच्छा ये वही प्लास्टिक है यार, इसको पत्थर आके लगा है, देखें पत्थर की आवाज़ भी। तो आप राइट पे करते यार, दिखाते कि वहाँ से पत्थर उस डायरेक्शन से आता है, राइट उधर दिखाना चाहिए था, ऐसा लगा किसी ने उसको पत्थर मारा है। ये देखें स्लो मोशन, ये शायद यार राइट पे आपको दिखाना चाहिए था, ज़रूरी होता है। क्या जबरदस्त मैन, कैसे ये हिला है, इसका जो हैंडल है आप बगैर नुकसान की चाहिए, ये बड़ा अच्छा खेल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये हैंगर है, ये उस जाली पे लगा हुआ है, ये देखिए ग्रिल पे, वो ऊपर हुआ है यार, फिर ऐसे ही हुआ है, जबरदस्त मैन, और कोई रस्सी वस्सी नहीं है, ऐसे करके फिर ऐसे किया। गुड, ये बहुत अच्छा कर। अच्छा ये फिर पत्थर लगा है यहाँ पे आके, आप देखिए स्लो मोशन में भी आप देखें, ये पत्थर आया है यार, लेफ्ट पे दिखा देना चाहिए था यार, अच्छा होता है, मैं कन्विंस करने के लिए अच्छा होता है। ये पेप्सी की बोतल है ऐसे भरी हुई है, पानी वानी है, ये अंदर देखें फौरन अंदर दिखा दिया, वेरी गुड। एक ये सामने की तरफ एक कॉर्नर है, वहाँ भी दिखा रहे थे। अच्छा लाइट बंद हो गई तो जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबरदस्त, मज़ा आ गया। आई थिंक ये जगह हॉन्टेड थी फॉर श्योर, यानी अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, राइट एक दो जगह मुझे ऐसा लगा यार कि पत्थर आके लगा है, तो मैं सोच सकता हूँ यार कि शायद किसी इनके बंदे ने पत्थर मारा हो उस वक्त, शायद भाई को आई थिंक दिखा देना चाहिए था जिस डायरेक्शन से पत्थर आ रहा था ना उस तरफ दिखा देना चाहिए था। लेकिन अगर पूरे अगेन अगर वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है यार, जैसे वो प्लास्टिक का बर्तन था वो उछल के गिरा है, वो एक हो गया। सामने वो रूम में दिखा रहे थे, रूम के सब खड़े थे, उन्हें एक कपड़ा नज़र आया जो खिसकते हुए नीचे गिरा है, और जाली के अंदर एक कपड़ा लगा हुआ था वो निकला है बाहर, हैंगर ऊपर हुआ है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज है ना, जो ब्रूम हिला है, और बहुत जो मुझे अच्छा लगा वो थैली जो लगी थी दरवाजे में कि जो हैंडल में अटकी हुई थी शॉपर था, और वो ऐसे हवा में यूँ हुआ है और फिर नीचे आया। तो आई थिंक इन एक्टिविटीज़ को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इनका कर सकता है, अगर करता तो नज़र आ जाता, क्योंकि काफ़ी वाइड एंगल बनाया हुआ था शाहिद भाई ने, तो कोई ना कोई अगर कर रहा होता तो नज़र आता। प्लस शाहिद भाई की पूरी कोशिश थी और ज़बरदस्त कोशिश थी कि उन्होंने करीब से दिखाया कि कुछ बांधा हुआ तो नहीं है, और रूम को भी इन्होंने अच्छी तरह कवर किया था, जब एक्टिविटी होती थी तो रूम को भी दिखा देते 360 डिग्री घुमा रहे थे,
कुछ कुछ कॉर्नर्स मिस हो गए थे, कोई बात नहीं यार, इस तरह की सिचुएशन में फिर बंदा ये तो नहीं सोचेगा ना मुस्तकिल के यार मैं हर एंगल कवर करूँ, लेकिन उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी, जितना वो कवर कर सकते थे कर रहे थे। यार शायद मैंने जैसे कहा था कि मैं 2 या 3 कैमरे रखूँगा, तो एक स्टैंड लोन कैमरा आप रख सकते हैं एक जगह, अगर खुला एरिया है तो वो अच्छा कैप्चर होता है, पहले भी करते थे खुरम भाई खासकर, उनके आइडिया से ही आई थिंक वो करते थे, तो उससे अच्छा होता है यार, एक आपका एक एक और कन्विंसिंग शॉट मिल जाता है देखने वालों को, यू नो। तो ऐसा ट्राई करें शायद एक और कैमरा ले आया करें अपने साथ, एक और मोबाइल कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो आप क्या यूज़ करते हैं, गोप्रो या मोबाइल ही यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो यार मोबाइल तो इतने महंगे नहीं होते, तो आप एक और मोबाइल अपने साथ ले आया करें, कोई भी एंड्रॉयड का मोबाइल ले लें जो अच्छी, जिसकी रेजोल्यूशन ठीक हो, मतलब लो रेजोल्यूशन ना हो, तो वो अपने साथ ले आया करें, किसी दोस्त का बोरो कर लें। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कुछ दिनों पहले, लोग पूछ रहे थे कि आप किधर हैं, क्यों नहीं आ रहे, सब खैरियत है या नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार लोग पूछ रहे हैं तो बुरा लगता है यार, इतने लोगों ने साथ दिया है इतना अर्सा, यू नो 3-4-5 साल से लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को, तो अच्छा नहीं लगता यार कि मैं ऐसा इस तरह गायब हो जाऊँ और अपडेट भी ना दूँ, तो इसलिए वापसी हो गई है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी यार कि मैं मुस्तकिल आऊँ कंसिस्टेंटली डालें। एक और वजह भी ये थी मेरे ख़त्म करने की, अब गैप लेने की वजह ये थी कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, यू नो अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर कम से कम 50,000 व्यूज़ तो आने चाहिए तो यार 7-8 हज़ार, यू नो 10 हज़ार व्यूज़ से ज़्यादा तो आ रहे नहीं थे, तो बंदा यार थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, बोलता है यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ये वो टाइम लगा रहा हूँ, एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, तो कोई देख रहा नहीं तो फ़ायदा क्या, राइट? लोग आई गेस बोर हो जाते हैं, वो भी इसी वजह से लोग देखते नहीं है, तो ना ही नए सब्सक्राइबर आ रहे थे ना ही व्यूज़ आ रहे थे, तो इसलिए ये भी एक वजह थी मेरे ना आने की, लेकिन चलो फिर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने और लगाते हैं, देखते हैं। चलें आप लोग अपना ख्याल रखें, कॉमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई नए नाम है नए चैनल्स हैं तो वो ज़रूर शेयर कर लें। चलें अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।